Hello guys, my name is Shivam Sharma and in this video I will be giving you few tips to increase your band score in the IELTS speaking test. So let's get started. Tip number 1. Don't cram the answers. एक काफी common mistake जो बहुत सारे students आजकल कर रहे हैं, specially वो जिनकी English comparatively थोड़ी weak है, कि वो answers याद करके जाते हैं and वहाँ पे जाके वो as it is answer बोल देते हैं, अगर वही question उनको repeat होता है तो. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अवॉइड करो एंड अपनी जितनी भी आपको इंग्लिश आती है उसके बेसिस पे आप आंसर दो. बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि आप आंसर यहाँ से याद तो करके चले जाते हो, अगर वहाँ पे आपका एक वर्ड भी आप भूल जाते हो तो पूरे आंसर का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. सो अवॉइड क्रैमिंग ऑफ द आंसर्स. टिप नंबर 2. डोंट फेक योर एक्सेंट. ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी ड्यूरिंग माई IELTS प्रिपरेशन कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अपना एक्सेंट फेक कर रहे थे और ये मैंने काफ़ी IELTS सैम्पल बैंड स्पीकिंग वीडियोज़ के अंदर भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एक्सेंट फेक कर लेते हैं. उनको लगता है कि एक्सेंट से ही IELTS का बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है, जबकि टोटली एक मिथ है. आप अपना नेचुरल एक्सेंट भी यूज़ करोगे तो भी आपका बैंड स्कोर आएगा, एक्सेंट मैटर नहीं करता. एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सेंट से कितना डिफरेंस आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो आप जाओगे एग्जामिनर आपसे पूछेगा IELTS स्पीकिंग के अंदर कि व्हाट इज़ योर नेम. तो अब इसको एक मैं नेचुरल एक्सेंट में बोल के दिखाता हूँ. हेलो, माई नेम इज शिवम शर्मा. ये एकदम नेचुरल एक्सेंट है. और अगर इसी को आप अगर फेक करोगे एक्सेंट तो आंसर्स कुछ ऐसा आएगा. हेलो, माई नेम इज शिवम शर्मा. तो डिफरेंस देख रहे हो दोनों एक्सेंट के अंदर. ये साफ लगता है सेकंड वाला कि ये फेक है. और प्रॉब्लम फेक एक्सेंट की ये होती है कि स्टार्टिंग में तो आप इसको मेंटेन कर लेते हो, जैसे जैसे आपकी IELTS की स्पीकिंग कंटिन्यू होती है, क्यू कार्ड पे आप आते हो तो तब आपका नेचुरल एक्सेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिस वजह से एग्जामिनर को भी डिफरेंस दिख जाता है कि ये स्टूडेंट्स पहले अपना एक्सेंट फेक कर रहा था. और इसकी वजह से आपके IELTS बैंड स्कोर पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. सो अवॉइड फेकिंग योर एक्सेंट. टिप नंबर 3. डोंट रिपीट वर्ड्स या अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. ट्राई करो कि आप सिनोनिम्स यूज़ करो. अगर कोई ऐसा वर्ड आता है आपको लगता है कि रिपीट होने वाला है तो उसके सिनोनिम्स यूज़ करो. फॉर एग्जांपल, आप वेरी बिग की जगह ह्यूज वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी वोकैबलरी को भी इंक्रीज करेंगे, वोकैबलरी रेंज को, प्लस एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि आप वर्ड रिपीट नहीं कर रहे हैं एंड आपकी वोकैबलरी रेंज अच्छी है. एंड इस रीज़न से आपका डेफिनेटली बैंड स्कोर इम्प्रूव होगा. एंड मैं एक अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा सिनोनिम्स, जो बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो IELTS स्पीकिंग के अंदर यूज होते हैं, उनके सिनोनिम्स के ऊपर, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. टिप नंबर 4. डोंट स्टार्ट द आंसर बाय सिंपली सेइंग यस और नो. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है डू यू लाइक विजिटिंग पार्क्स, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे मत स्टार्ट करो, यस आई लव विजिटिंग पार्क्स. ये काफ़ी कॉमन आंसर हो जाएगा. इस चीज़ को अवॉइड करके आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वेल यस आई लव गोइंग टू पार्क स्पेशली ऑन द वीकेंड्स. तो ये थोड़ा आंसर लंबा भी हो गया, प्लस इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी भी यूज होगी, जिस वजह से आपका बैंड स्कोर्स इंक्रीज हो सकता है. टिप नंबर 5. बी फ्लुएंट एंड डोंट टेक बिग पॉजेस. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स याद करने के चक्कर में वो पॉज का अपना जो ड्यूरेशन होता है काफ़ी लंबा कर लेते हैं, जिस वजह से उनके बैंड स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. एग्जामिनर ये सोचता है कि आपको इंग्लिश इतनी नहीं आती, जिस वजह से आप इतने बड़े बड़े पॉज ले रहे हो. सो अवॉइड करो इन पॉजेस को एंड जितना भी आपको आता है, जितनी भी आपकी वोकैबुलरी रेंज है, उन्हीं को यूज करके एक सिंपल सा आंसर दो एंड पॉज को अवॉइड करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है IELTS स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी. वोकैबुलरी से भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो होती है आपकी फ्लुएंसी. अगर आप फ्लुएंट है तो डेफिनेटली आपका 7 बैंड स्कोर तो कहीं भी नहीं गया, मिनिमम आपके 7 बैंड आएंगे अगर आप कोई भी हाई वोकैबुलरी यूज नहीं कर रहे हो. बट अगर आप फ्लुएंट हो पूरी IELTS स्पीकिंग के टाइम पे तो आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा. सो बी फ्लुएंट एंड डोंट टेक बिग पॉजेस. टिप नंबर 6. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर. टिप नंबर 7. ये टिप स्पेशली क्यू कार्ड्स के लिए है. ट्राई टू शेयर योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इन द क्यू कार्ड्स. क्यू कार्ड्स के अंदर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है और अगर आप वो रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यू कार्ड आता है कि डिस्क्राइब अ जर्नी दैट यू स्टिल रिमेंबर, अगर ऐसा कोई क्यू कार्ड बाय चांस आता है, तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि फेक स्टोरी क्रिएट करने से बेटर है कि आप सच में कोई ऐसी जर्नी रिलेट करो जहां पे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ गए थे. इसके बेनिफिट क्या होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की? एक तो आपकी स्टोरी एकदम नेचुरल लगती है बिकॉज वो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है. सेकेंडली, आपको आइडियाज जनरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो सब आपने रियल में एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप वो सब नोट करके एक सीक्वेंस ऑर्डर में उसको इजिली एग्जामिनर के आगे प्रेजेंट कर सकते हो. सो टिप यही थी कि ट्राई टू शेयर योर ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड टिप नंबर 2 इज क्यू कार्ड्स के अंदर कि एड अ लिटिल डिटेल इन योर स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड कर सकते हो कि अगर आपके पास एक स्टोरी इतनी सी है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे गए, वहां पे आप 2 दिन रुके और आप वापस आ गए.
फॉर एग्जाम्पल ये आपकी स्टोरी का एक बेस है, तो इसमें आप खूब सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि आप इतने बजे घर से निकले थे, आप अपने ट्रांसपोर्टेशन जिस व्हीकल में गए आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कि आप ट्रेन में गए तो आप ये भी बता सकते हो कि वो ट्रेन काफ़ी लंबी थी, उसमें इतने सारे बॉक्सेस थे, रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारा रश था। ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी होती, बट अ लिटिल डिटेल विल हेल्प टू बूस्ट योर बैंड स्कोर। सो टिप नंबर टू यही थी। एंड टिप नंबर थ्री इज बी कॉन्फिडेंट। अगर आप बाई चांस आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई या इंग्लिश के अंदर फॉर कुछ रीजन से अगर कुछ भी कोई भी पार्ट गलत होता है, तो अपनी फ्लुएंसी मत ब्रेक करना एंड कॉन्फिडेंस मत लूज करना। कुछ मिस्टेक्स एग्जामिनर भी अवॉइड कर देता है, बट उस मिस्टेक के चक्कर में अपनी फ्लुएंसी मत खराब करना, जिसकी वजह से आपका टोटल बैंड स्कोर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट। टिप नंबर एट, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना ओपिनियन सही देने के चक्कर में अपनी आइल्स की इंग्लिश खराब कर लेते हैं। ओपिनियन मैटर नहीं करता, आइल्स टेस्ट आपका ओपिनियन नहीं जज करता, वो जज करता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं उसकी एबिलिटी क्या क्या है, आप कितनी परफेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज को डिलीवर कर सकते हो आइल्स स्पीकिंग के अंदर। सो ओपिनियन मैटर नहीं करता। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रंस, तो हर स्टूडेंट्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ कहेंगे कि येस आई लव टू प्ले विद चिल्ड्रंस, कुछ कहेंगे कि नो आई हेट प्लेइंग विद चिल्ड्रंस। तो ओपिनियन आपका मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी इंग्लिश स्किल्स। तो आप कोई भी ओपिनियन दो, बट उसको अच्छे से प्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को वो समझ आ जाए कि आपका ओपिनियन क्या है। टिप नंबर 9, डोंट ओवर एक्सप्लेन एंड स्टिक टू द पॉइंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल जो टॉपिक था वो आता ही नहीं है, और वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी कुछ बोल देते हैं, जिस वजह से आपकी बैंड स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो पॉइंट पे स्टिक रहना एंड अननेसेसरी बहुत सारी डिटेल ऐड मत करना। टिप नंबर 10, यूज अ रेंज ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं आपका बैंड स्कोर इंप्रूव करने में। सिंपली एंड 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 हर चीज के आगे मत यूज करना, कनेक्टर्स यूज करना। मैं इस पर भी एक डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा, जितने भी कनेक्टर्स आईएल्स स्पीकिंग के अंदर यूज हो सकते हैं उन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपको काफी हेल्प करेगी बैंड स्कोर बूस्ट करने में। कुछ काफी कॉमन कनेक्टर्स ये हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है तो अपन सिंपली एंड यूज कर देते हैं कि आई लव टू प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो इसको अवॉइड करके आप ऐसे बोल सकते हो कि आई लव टू प्ले बास्केटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। सो एज वेल एज क्रिकेट जैसे आपने ऐड किया, तो ये आपकी वोकैबलरी को भी शो करता है कि स्टूडेंट्स के पास थोड़ी वोकैबलरी है, प्लस आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। सो एंड को अवॉइड करके कुछ ऐसे कनेक्टर्स यूज करो जो उसकी प्लेस पे यूज हो सकते हैं, एंड कनेक्टर्स प्ले अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग योर आइल्स बैंड स्कोर। And the last step is keep a smile on your face. Well, nowadays due to COVID, mask लगा के interviews होते हैं, so ये अभी applicable नहीं होगा, but in future जो भी students IELTS का exam देंगे उनके लिए tip है कि एक smile रखना अपने face पे, and इससे definitely आपकी personality काफ़ी attractive लगेगी, जिससे आपका band score भी improve हो सकता है। So these were the few tips related to the IELTS speaking test, and I hope this will help you in increasing your IELTS band score. Thank you very much for watching this video.